नमस्कार, मैं हूं रवि साहू। आप देख रहे हैं राष्ट्र आजकल। राष्ट्र आजकल में रोजाना आपको मैं नई नई अच्छी अच्छी खबरों से रूबरू कराता हूं, लेकिन फटाफट अंदाज में मैं आपको सिर्फ 5 मिनट में देश की बड़ी खबरों से रूबरू कराऊंगा। तो आज की पहली बड़ी खबर है कश्मीर पर दिग्विजय सिंह का एक नया बयान सामने आया है। दिग्विजय सिंह ने बयान जारी करते हुए उनका एक ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो साफ कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो कश्मीर में धारा 370 वापस से लागू करेंगे। ये कहना है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का। उनके इस बयान पर अब सियासत गर्मा गई है। रामेश्वर शर्मा ने ट्वीट कर जो है आक्रामकता से हमला किया है दिग्विजय सिंह पर। पूरी बीजेपी आक्रामक हो गई है और राहुल गांधी और सोनिया गांधी से अब इस बारे में उनकी राय पूछी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी अब इस मामले को तूल दे रही है। दिग्विजय सिंह का एक ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस की सरकार आते ही कश्मीर में धारा 370 वापस से लागू की जाएगी। तो इस मुद्दे पर पूरे देश में राजनीति शुरू हो चुकी है। दूसरी खबर है पंजाब से, जहाँ पर अकाली दल और बीएसपी ने हाथ मिला लिया है। यानी अब जो आगे चुनाव आने वाले हैं उसमें अकाली दल और बीएसपी साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। पंजाब की राजनीति में सुखबीर सिंह बादल का कहना है कि ये एक सुनहरा दिन है और पंजाब की राजनीति में एक नया दिन, इसको आज वो बता रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं कोरोना की, तो कोरोना के जो मामले हैं वो तो कम हुए हैं, लेकिन मौत का जो आंकड़ा है वो कम नहीं हो रहा है। आज भी कोरोना से 4000 से ज़्यादा मौतें पूरे भारत में हुई है। तो कोरोना का खतरा अभी भी बना हुआ है। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि मास्क ज़रूर लगाएं। मास्क चाहे कपड़े का हो या N95 मास्क हो, हाथों को सैनिटाइज करें, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो आपको कोरोना से बचा सकती हैं। इसलिए मास्क ज़रूर लगाएं। आज भी 4000 से ज़्यादा मौतें सिर्फ कोरोना के कारण हुई हैं। तो ये है देश का हालचाल। और दिल्ली में तीसरी लहर से निपटने के लिए केजरीवाल सरकार ने तैयारी अभी से शुरू कर दी है। ऑक्सीजन के 22 प्लांट वहाँ पर बनकर तैयार हो गए हैं। अगर आपात स्थिति में जो ऑक्सीजन है उसकी किसी भी तरीके से अब दिल्ली में किल्लत नहीं आने दी जाएगी। तीसरी लहर अगर आती भी है तो उससे निपटने की केजरीवाल सरकार ने, आम आदमी पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है। ये दिल्ली के हालचाल हैं, जहाँ पर कोरोना अभी गया नहीं है। और अगली खबर जो है कश्मीर से ही है, जहाँ पर सोपोर में पुलिस CRPF की टीम पर आतंकी हमला हो गया है, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए हैं और 2 नागरिकों की भी मौत हो गई है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सोपोर में पुलिस CRPF की टीम पर जो है आतंकवादियों ने हमला कर दिया है और 2 जवान इस घटना में शहीद हो गए हैं, वहीं 2 नागरिकों की भी मौत हो गई है। तो ये है हमारे देश का हाल। बंगाल की राजनीति में आपने कल देखा ही था, मुकुल राय जो कि 2017 में बीजेपी में शामिल हो गए थे, हालांकि बीजेपी में उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया भी था बंगाल का और अब एक बड़ी जिम्मेदारी दी थी, लेकिन अब वो वापस TMC उन्होंने कल ज्वाइन कर ली है। ममता बनर्जी ने कहा है कि घर का बेटा वापस घर आ गया। ये वहाँ की सियासत के हालचाल हैं। अब बात करेंगे हम मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में इस वक्त आखिर चल क्या रहा है। सिंधिया जी जो हैं वो काफ़ी बड़े बड़े नेताओं से मिल रहे हैं। सिंधिया जी का वर्चस्व मध्य प्रदेश में काफ़ी देखा जा सकता है, लेकिन उनके घर में ही जमकर विरोध हो रहा है। NSUI ने जो है उनको बेशर्म के फूल और बेशर्म की माला भेंट की है। उनके घर में ही यानी ग्वालियर में उनका जमकर विरोध हो रहा है। और जैसा कि आपको बताया कि आर्टिकल 370 पर दिग्विजय सिंह का जो बयान आया है उस पर मध्य प्रदेश में अब सियासत गर्मा गई है। जो रामेश्वर शर्मा हैं उन्होंने खुले तौर पर ट्वीट कर दिग्विजय सिंह से कहा है कि धारा 370 तो अब कभी ज़िंदगी में कश्मीर में लागू नहीं हो सकती, तुम्हारी पुश्तें बीत जाएंगी लेकिन धारा 370 अब कभी लागू नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से अन्य नेता भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और अगली खबर है सिंधिया की, पवैया से मुलाकात। सिंधिया और पवैया जो कि राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहे हैं जब सिंधिया जी कांग्रेस में थे और पवैया जो है जय भान सिंह पवैया वो बीजेपी में थे, और इनकी मतलब यूं कहें कि
दुश्मनी, राजनीतिक दुश्मनी इतनी ज़्यादा थी कि कभी एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करते थे। लेकिन अब पहली बार यहाँ पर जो है पवैया के साथ उन्होंने मुलाकात की है। अब इसको राजनीतिक मजबूरी कहें या ये दूरी खत्म करने का एक नया तरीका है सिंधिया जी का, कुछ भी कह सकते हैं। फिलहाल सिंधिया जी पूरे प्रदेश में सभी नेताओं से मिल रहे हैं, मेलजोल कर रहे हैं। उमा भारती से भी उन्होंने मुलाकात की तो उमा भारती ने उनको अपना भतीजा बताया है, जबकि ये जब कांग्रेस में थे तो एक दूसरे के घोर विरोधी थे। तो ये है पूरे देश का हालचाल, ये है पूरे देश की बड़ी खबरें। तो हम इसी तरह की खबरों से आपको अक्सर रूबरू कराते रहते हैं। अभी दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार।